दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में इस तरह से 2 लीटर की उल्टी बोतल में टमाटर को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको उल्टी 2 लीटर की बोतल में टमाटर लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ दूंगा। साथ में बताऊंगा कि मैंने इसमें कौन से सॉयल मीडिया का इस्तेमाल किया है, किस फर्टिलाइजर को मैंने इसमें दिया है। पूरे 100 दिन का रिजल्ट आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं 100 दिन पहले और समझते हैं हमने इस टमाटर को कैसे ग्रो किया हुआ है। दोस्तों, बोतल में टमाटर उगाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इस तरह से 2 लीटर की बोतल की, जिसे हमने ऊपर से काट लिया है और इसमें चारों तरफ छोटे छोटे छेद बना लिए हैं। इस बोतल में भरने के लिए जो हम सॉयल मीडिया तैयार कर रहे हैं उसमें हमने 40% लिए है नॉर्मल सॉयल, 40% हमने इस्तेमाल किया है इसमें गाय का गोबर, और 20% हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोकोपीट। जो हम कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मेन पर्पस हमारी जो सॉयल में मॉइस्चर लेवल को बरकरार रखना है। कोकोपीट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए हमने यहाँ 20% कोकोपीट लिया है, क्योंकि बोतल के अंदर हैंगिंग बोतल में पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए कोकोपीट मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरह के एक कॉटन के कपड़े की। मैं यहाँ रुमाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको लगभग हमें 2x2 इंच का जो है टुकड़ा इस तरह से काट लेना है। इसका इस्तेमाल हम हमारे जो टमाटर के स्टेम हैं उसे बोतल के अंदर होल्ड करने के लिए करेंगे, ताकि जो मिट्टी है बोतल के कैप से, जहाँ पर कैप लगा होता है वहाँ से मिट्टी बाहर ना आए, इसलिए हम इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसे इस तरह से चौकोर कपड़े को लेकर इसे 2 बार इस तरीके से मोड़ लीजिए, और बीच में हमें एक छोटा सा स्टेम हमारा जितना मोटा रहेगा टमाटर का उतना हमें कट लगाना है, और इस तरह से आपका ये कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसे एक किसी भी एक साइड से आप बीच में से काट लीजिए, ताकि ये इसमें हम टमाटर के स्टेम में को इसके अंदर फिट कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें बोतल में टमाटर को कैसे लगाना है, और मेन हमारा काम जो है वहीं स्टार्ट होता है। तो हम एक जो टमाटर है, टमाटर का जो हेल्दी पौधा है वो ले लेंगे। अगर आप नर्सरी से टमाटो का प्लांट लाए हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि आपको उसकी रूट में से जो भी सॉइल है उसको हटाना पड़ेगा, ताकि वो आराम से आपकी बोतल में अंदर चला जाए। जैसे कि हमने एक हेल्दी प्लांट हमारे टमाटर के जो हमने पौधे तैयार किए हैं उसमें से ले लिया है, और इसके नीचे जो भी एक्स्ट्रा लीफ होंगी हम उन्हें हटा देंगे, क्योंकि लगभग हम 50% हमारे टमाटर के पौधे को बोतल के अंदर रखेंगे। टमाटर के पौधे में स्टेम से भी रूट निकलती हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को अपनी बोतल के अंदर ही रखें, ताकि इसमें रूट डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो और आपका टमाटर का पौधा काफ़ी अच्छा ग्रो करे। इस तरीके से हम कपड़े के बीच में स्टेम को फंसा कर स्टेपलर की मदद से इस कपड़े को लॉक कर देंगे, ताकि ये खुले ना। और अब हम अपने इस टमाटर के पौधे को बोतल के अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सावधानी वाला काम है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। इसे आप आराम से देखते रहिए कैसे मैं इसे कर रहा हूँ, तो आप भी आराम से बोतल के अंदर से जो है टमाटर को बाहर निकाल लेंगे। सीधा स्टेम हमें लेना है, और हाथ को स्टेम सहित आराम से पत्तियों को मोड़ते हुए टमाटर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हमारी बोतल में, जहाँ पर हम कैप लगाते हैं वहाँ से इस तरीके से बाहर निकालना है। आप ज़्यादा बड़ा पौधा ना लें, उसका एक मतलब कि अगर आप ज़्यादा बड़ा पौधा लेंगे तो इस तरह से उसको बाहर निकालने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए मीडियम साइज़ का पौधा ही लें। और मीडियम साइज़ का पौधा लेने का एक और फ़ायदा होता है कि इसकी जो स्टेम है वो जल्दी से मुड़ जाती है और ऊपर की तरफ हो जाती है, ताकि उससे टमाटर हमारा अच्छे ग्रो होने लगता है। देखिए, हमने टमाटर को लगभग 50% बोतल के बाहर निकाल लिया है और 50% हमने टमाटर को अंदर रखा है। इस तरीके से जैसे मैं एक पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो किसी भी डिब्बे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपनी जो बोतल है उसको इस तरीके से रख दीजिए, ताकि आपके टमाटर के पौधा जो है नीचे से डैमेज ना हो। और अब हम इसमें जो है सॉइल को अच्छे से आराम से भर देंगे। पहले जो है 2-3 इंच तक सॉइल आपको बहुत ही सावधानी से भरनी है, और आपके टमाटर के स्टेम को जो है बीचों बीच रखना है। तो हम धीरे धीरे इसमें सॉइल डालेंगे, आपको एकदम से सॉइल नहीं डालनी है, आपका स्टेम नहीं मुड़ना चाहिए। जो टमाटर का स्टेम है वह है सेंटर में ही होना चाहिए, और उसकी रूट भी आपकी सॉइल के सेंटर में हो, ताकि वह ऊपर तक बराबर हिस्से में
बढ़ती जाएं। मैंने एक हाथ से अपने टमाटर की स्टेम को होल्ड कर रखा है और दूसरे हाथ से देखिए मैं अपना सॉइल मीडिया जो है बॉटल में डालता जा रहा हूँ। और जैसे ही हमारी रूट तक सॉइल हो जाती है उसके बाद आप आराम से जो बाकी की सॉइल है वो अपनी बॉटल में भर दीजिए और फिर इसमें दे दीजिए ढेर सारा पानी। एक बार जब आप आधी बॉटल भर लेंगे तो उसके बाद हम यह ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारे टमाटर की पोजीशन ठीक है कि नहीं और उसका कितना स्टेम बाहर है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टमाटर का पौधा है वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है और उसका जो 50% हिस्सा है वो बाहर है और 50% हिस्सा जो है बॉटल के अंदर है। तो जल्दी से अब हम ये सारी मिट्टी इसमें भर देते हैं और फिर इसको हैंग कर देते हैं पानी डालकर और फिर आपको दिखाते हैं कि हैंगिंग करने के बाद ये कैसा दिखेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको इस चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमने हमारे जो टमाटर के प्लांट को हैंग कर दिया है और कुछ इस तरह से आपका टमाटर का प्लांट पहले दिन दिखेगा जब आप टमाटर के पौधे को लगाकर हैंग कर देंगे और 2 से 3 दिन में ही इसकी स्टेम मुड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये 3 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए हमारी जो बॉटल में हमने टमाटर लगाया था जो 2 लीटर की उल्टी बॉटल में हमने टमाटर लगाया है उसकी स्टेम जो है मुड़ने लगी है और टमाटर अब ऊपर की तरफ जो है ग्रो करने लगा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने बॉटल इस्तेमाल की है और ये पूरे 10 दिन बाद का रिजल्ट है। आप देखिए स्टेम भी मुड़ चुकी है और काफ़ी नई लीफ भी आ गई हैं और रूट का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया है। आप देख ही सकते हैं हमें साफ साफ बॉटल में जो है टमाटर की रूट नज़र आ रही हैं। हमने 2 बॉटल में टमाटर को ग्रो किया हुआ है, टोटल हमने आसपास 2 बॉटल को हैंग किया हुआ है जिसमें हमने अपसाइड डाउन टमाटोज को लगाया हुआ है। दोनों टमाटर की ग्रोथ हमें बहुत अच्छी मिल रही है और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा पौधा अब जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। ये पूरे 20 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए रूट कितनी स्पीड से ऊपर जा रही हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो स्टेम है टमाटर का वो भी काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी जल्दी ऊपर जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने कॉटन का जो जूट की रस्सी होती है उसकी मदद से स्टेम को होल्ड कर दिया है ताकि स्टेम जो है हवा में टूटे ना। पूरे 30 दिन बाद हम इसमें देने वाले हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को हमने बनाया है 50% गाय के गोबर से और 50% हमने मिलाई है इसमें नॉर्मल सॉइल। आप चाहें तो इसमें बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो भी ऑर्गेनिक खाद होती है आप मस्टर्ड केक जैसी ऑर्गेनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसमें लिक्विड जो है खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक खाद हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और लगभग 30 दिन में आपको इस तरह से खाद देनी है। ये पूरे 50 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए हमारे टमाटर के पौधे में अब फूल आना भी शुरू हो गए हैं और आप छोटे छोटे टमाटर के फल आप देख सकते हैं कितने अच्छे टमाटर अब इसमें बनना शुरू हो गए हैं और फ्लावरिंग स्टेज भी काफ़ी अच्छी है और हमारा पूरा टमाटर का पौधा जो है अब फूलों से भर गया है। इस समय आपका जो टमाटर का पौधा है देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और जब आप इसे हैंगिंग बॉटल में अपने बालकनी में लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगता है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरे 60 दिन बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हमारी हुई है और जितने भी फ्लावर हमारे टमाटर पे आए थे सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिली है और आप देखिए यहाँ से अगर मैं देखिए कितने ज़्यादा फ्रूट इसमें टमाटर के लगे हैं और साइज भी इनका काफ़ी बड़ा हो रहा है। पूरे 70 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए टमाटर अब मैच्योर होने लगे हैं। टमाटर का साइज आप देख ही सकते हैं कुछ टमाटर हमें काफ़ी अच्छी साइज में दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, ग्रीन है हमारा पौधा। इस समय आपको अपने टमाटर के जो जिसमें आपने लगाया है मतलब जो बॉटल में हमने लगाया है उसमें आपको दिन में 2 बार पानी ज़रूर देना है और ध्यान रखें अगर आप इसे गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं तो इसे शेडी एरिया में रखें और मोस्ट ऑफ टाइम ये गर्मियों में जो है धूप में सर्वाइव नहीं करता। गर्मियों के दिन में आपको 2 से 3 बार पानी इस तरह से धीरे धीरे अपनी जो उल्टी बॉटल आपने लगाई है जिसमें टमाटर लगा है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से दिन में 3 बार पानी ज़रूर देना होगा। और अगर आप सर्दियों के मौसम में जो 2 लीटर की बॉटल में टमाटर को ग्रो करते हैं तो उसमें आपको 2 बार पानी देना होगा।
ये पूरे 90 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए अब हमारे टमाटर जो हैं उनका कलर जो है चेंज होने लगा है। नीचे की सारी लीफ मैंने हटा दी थी और आप देखिए कि हमें कितने सारे फ्रूट अब हमारे टमाटर में दिख रहे हैं और उनका जो कलर है अब वो चेंज होने लगा है। इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी अब हमारे टमाटर जो हैं पकने वाले हैं। टमाटर से को फूल से फल बनने में लगभग 20 से 30 दिन लग जाते हैं और लगभग उतने ही दिन उसे पकने में लगते हैं। जो हमने टमाटर उल्टी बॉटल में ग्रो किया है इसका साइज जो मेन टमाटर होता है मतलब जो बाज़ार में मिलने वाले टमाटर से थोड़ा छोटा है, लेकिन यह काफ़ी अच्छा साइज है जो हमें 2 लीटर की बोतल में मिला है क्योंकि हमें इतने सारे टमाटर मिले हैं। आप देख ही सकते हैं 25 से 30 टमाटर हमारे एक पौधे में जो है लगे हुए हैं और ये देखिए पूरे 105 दिन बाद आप देखिए कितने सुंदर, कितने लाल और कितने अच्छे टमाटर हमें मिले हैं। यह वो दिन है जब हमारी मेहनत पूरी सफल हो जाती है और अब हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। पूरे टमाटर खाने लायक हैं, 100% ऑर्गेनिकली तरीके से ग्रो किए गए हैं, वो भी 2 लीटर की वेस्ट बॉटल में और बालकनी में उल्टा लटकाकर। तो आप इसे बिल्कुल अपने घर में अपसाइड डाउन की तरह टमाटो को ग्रो कर सकते हैं। 2 लीटर की पुरानी बॉटल में आप उल्टी बॉटल को लटकाकर टमाटर को बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से ढेर सारे टमाटर जो है ले सकते हैं। देखिए मैं आपको टमाटर को हार्वेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ। इस तरह का टमाटर हमें मिला है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी साइज अच्छी है और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इसे खुद खाया है, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है, मार्केट में मिलने वाले टमाटर से बहुत अच्छा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।